कलयुग में मनुष्य रोते रोते जन्म लेते हैं और रोते रोते अकाले शरीर छोड़ देते हैं। कलयुग है रोने की दुनिया। सतयुग में देवताएं हंसते हंसते जन्म लेते हैं, हंसते हंसते अपनी आयु लगभग 150 वर्ष में एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेते हैं। सतयुग है खुशियों की दुनिया। कलयुग में मिट्टी की ईंट पत्थर से घर बनता है। सतयुग में सोने की ईंटों से महल बनाते हैं। हीरे जड़ित सोने के महलों की शोभा देखते ही बनती है। कलयुग है कांटों का जंगल। यहाँ हर एक मनुष्य एक दो को दुखी देते रहते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा, जहाँ सभी देवताएं एक दो के साथ संस्कार मिलन का राज करते हैं, जहाँ हर रोज खुशियों की जिंदगी होती है। कलयुग में किसी के सिर पर ताज नहीं रहा है, आज मंत्री है कल कुर्सी से उतार देते हैं। सतयुग में डबल सिरताज महाराजा का राज्य होता है, जिसे सब अपना पालनहार मानते हैं और जो सबके दिलों में सम्मानीय होता है। कलयुग में प्रकृति भी तमो प्रधान होने के कारण असमय बरसात, तूफान, भूकंप की आती है। सतयुग में प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, अपने मालिक देवताओं की सेवा में सदा तत्पर रहती है। सतयुग में पांचों तत्व सुखदायी होते हैं, सदा बहारी मौसम होता है। अभी कलयुग में बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। सतयुग में बच्चे गुरुकुल में कलाओं के रूप में पढ़ाई करते हैं। उन्हें राज्य में सुशासन व्यवस्था, सेवा भाव, राज्य कारोबार की मानचित्र, गायन कला में निपुण बनाया जाता है। अभी कलयुग में अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषा होने के कारण आपस में लड़ते रहते हैं। कलयुग में जाने अनजाने हुए पाप से मुक्त होने के लिए दान पुण्य का कर्म तथा पुनः सुख प्राप्ति के लिए पूजा पाठ सत्संग करते हैं। सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होती है। वहाँ सभी पुण्य आत्माएं होते हैं, जहाँ कर्म अकर्म हो जाता है, कोई पाप कर्म नहीं होता, इसलिए वहाँ सदैव सुख, शांति और संपन्नता है। कलयुग में शरीर भी दुख देने वाला बीमार, कमजोर है, इसलिए यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर है। सतयुग में शरीर सदा स्वस्थ, कंचन काया, स्फूर्ति से भरपूर, आत्मा के शरीर छोड़ने तक तंदुरुस्त रहता है, इसलिए यहाँ कोई डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं। कलयुग है विकारी पाप आत्माओं की दुनिया, इसलिए यहाँ अनेक जेल, पुलिस, कोर्ट आदि है। सतयुग है पवित्र योग शक्ति से संपन्न, आत्मिक दृष्टि वाले देवताओं की दुनिया। कलयुग में मनुष्य की दिनचर्या शरीर निर्वाह के लिए धन इकट्ठा करने में ही समाप्त हो जाता है। सतयुग में सभी के पास पर्याप्त धन संपत्ति, जमीन गाय होती है, सबके अपने अपने छोटे बड़े महल होते हैं, निमित्त मात्र वस्तुओं का लेन देन होता है। कलयुग में यातायात के लिए अनेक बिजली से चलित वाहनों का उपयोग करते हैं। सतयुग में एक्सीडेंट प्रूफ पुष्पक विमान होते हैं, जिसे 5 साल का बच्चा भी चला ले। कलयुग के आहार भोज्य पदार्थ में भी शक्ति नहीं रही है। सतयुग में स्वादिष्ट रसदार नमकीन, मीठा टेस्ट वाली फल मुख्य भोजन होता है। सतयुग के फल इतने रसदार होते हैं कि हल्का सा दबाया और रस निकला। अभी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। अब हम सबको भी ऐसी नई सतयुग की दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। इसके लिए सिर्फ इस एक अंतिम जन्म में पवित्र रह, शरीर के झूठे भान को भूल अपने सत्य आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव को याद करना है। जब मन का मौन हो जाए।